आप देख रहे हैं देश के वो 24 और आपके साथ मैं हूं आज। कहते हैं ठंड की गलन हो या बारिश का पानी या फिर गर्मी की तेज धूप की तपिश, होली हो या दशहरा, दीपावली हो या फिर ईद, हर वक्त हर समय हर दिन हमारे समाज की रक्षा के लिए डटी है पुलिस। दोस्तों आज हमारा पूरा देश कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से जूझ रहा है, फिर भी हमारी पुलिस हमारे सामने ढाल बनकर खड़ी है। देश के साथ साथ रीवा पुलिस की सहन शक्ति और कड़ी मेहनत को देखकर प्रभावित हुए एक समाज सेवी ने पुलिस परिवार के लिए अपनी ओर से एक छोटी सी भेंट दी है। दरअसल सामाजिक कार्यकर्ता ने आज रीवा पुलिस परिवार के लिए एसपी राकेश सिंह के हाथों 5 क्विंटल सब्जी के साथ 51,000 रुपए भेंट किए। सामाजिक कार्यकर्ता का कहना है कि पुलिस टीम अपनी जान की परवाह किए बगैर आमजन की सुरक्षा को लेकर सड़कों पर तैनात है। उनका मानना है कि इस महामारी में पुलिस ढाल बनकर खड़ी है, जिसका हौसला बढ़ाना हर नागरिक का कर्तव्य है। सामाजिक कार्यकर्ता ने पुलिस परिवार के लोगों का ध्यान रखते हुए सब्जी के साथ राशि बतौर सहयोग भेंट की है। एसपी राकेश सिंह ने सामाजिक कार्यकर्ता की सराहना करते हुए कहा कि पुलिस परिवार के लिए भेंट की गई सब्जी संक्रमित पुलिस कर्मियों के परिजनों तक उपलब्ध कराई जाएगी, तो वहीं भेंट की गई राशि पुलिस कर्मियों के लिए मेडिकल किट में उपयोग होगी। आप सभी को मालूम है कि इस समय कोरोना का एक दूसरा वेव चल रही है जो बहुत ही खतरनाक है। ऐसे में पूरा पुलिस बल, पूरा समाज प्रभावित है, पुलिस के लोग लगे हुए हैं और मुझे बड़ी खुशी है कि नरेंद्र पांडे जी और उनके पिताजी ने इस बारे में सोचा कि पुलिस पर पुलिस के लोगों को कुछ मदद देनी चाहिए। इस उद्देश्य से उनके द्वारा 51,000 रुपये और 5 क्विंटल सब्जी प्रदान की गई है। सब्जी हम जरूरतमंदों को और पुलिस में भी जो लोग जिनका परिवार लगभग हमारे 45 लोग क्वारंटाइन हैं उनके परिवार को सब्जी पहुँचाएँगे। इसके अलावा जो ड्यूटीरत हैं लोग उनके लिए भी हम इसकी मदद देंगे। बची सब्जियाँ लोगों में जहाँ पे गरीबों के लिए भोजन बन रहा है वहाँ हम दान कर देंगे। इसके अतिरिक्त जो 51,000 रुपये की राशि मिली है उससे जो है हम तमाम तरह के मेडिकल इक्विपमेंट खरीद रहे हैं अपने जवानों को। आपने देखा होगा कि हम फेसिल और तमाम चीज़ें प्रदान कर रहे हैं, इस तरह की चीज़ों में ही खर्च होगा और जो भी राशि होगी पता नहीं कब तक ये चलना है कोरोना। तो हमारे पुलिस वाले जो फ्रंट पे ड्यूटी कर रहे हैं, चौराहों पे ड्यूटी कर रहे हैं, उनकी सुरक्षा बनी रहे, इस तरह की सुरक्षा उपयोग करने में उच्च राशि का उपयोग करेंगे। मैं ऐसे समाज में ऐसे लोगों के सहयोग के लिए सदैव नतमस्तक हूँ कि ऐसे लोग हैं, समाज इसकी व्यवस्था चल रही है और इन्हीं सब सहयोगों के चलते ही हम कोरोना को परास्त करने में सफल।